नमस्कार रियलिटी लाइव में आपके साथ हरसिमरन कौर। यूपी झांसी में अपना दल द्वारा स्थानीय मैरिज गार्डन में यश काई डॉक्टर सोनीलाल पटेल की 12वीं परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव तेजवली सिंह एडवोकेट व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगरूप सचान द्वारा की गई। मुख्य अतिथि ने यश काई डॉक्टर सोनीलाल पटेल के जीवन संघर्ष और जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल के द्वारा स्थापित किसान, कमेरा, मजदूर और वंचित वर्ग की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जब तक वंचित समाज को समानता का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इस मिशन को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के नेतृत्व में किसान, कमेरा, मजदूर, दलित और वंचित वर्ग के हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच शिव कुमार सोलंकी, दादू महानगर अध्यक्ष संजीव चौधरी, शालू बाबा एडवोकेट राजकुमार वर्मा, चंद्रशेखर जावेद मकरानी, मोहम्मद नवी, जाफर कुरैशी, वकील अहमद, रियाज खान, तनुज वर्मा, अनुराग, हामिद खान, नजीम रायन, आबिद मकरानी आदि गणमान्य व्यक्तियों के साथ महानगर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वंचित रखे गए उनके लिए बराबर उन्होंने संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया और समाज के जो इस वंचित वर्ग के जो नए पीढ़ी है उनको शिक्षित करने के लिए कुछ जिम्मेदार है कि उन्होंने 1995 में अपना दल के नाम से पार्टी बनाई जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, क्योंकि कभी हम लोगों को आज बहुत समझ नहीं है। इसी प्रांत में मैं आज हमारे अध्यक्षता हमारे शिव कुमार सोलंकी जी ने की थी। यही हमारा कार्यक्रम था, हमारे बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं ने लिया और आगे जो 2022 के चुनाव हैं उस 2022 के चुनाव में हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और आपकी पार्टी अपना दल किसको उतार रही मैदान में 2022 में झांसी? तो ये तो ऐसा है, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। जो हमारा ऊपर सुप्रीमो जो हमारी हैं बहन अनुप्रिया पटेल जी, वो निर्धारित करेंगे कि हमें कितने सीटें मिलने का। चुनाव गठबंधन से ही लड़ेंगे, चुनाव गठबंधन से ही लड़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल दोनों मिलकर। यूएफटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।